खबर है रामपुर से, जहां हाल ही में उपचुनाव हुए जो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने। रामपुर और मैनपुरी के चुनाव में सबकी निगाहें टिकी रहीं, पर रामपुर के चर्चित सीट जिस पर आजम खां की जीत होती थी वो जीती बीजेपी के आकाश सक्सेना ने। इस चुनाव में जीत दर्ज कर आकाश सक्सेना ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं फिर इनका नाम अब दोबारा से चर्चाओं में है। अब रामपुर सीट से बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को लेकर फिर खबरों का बाजार गर्म है। इस बार चर्चा है कि उस सरकारी आवास को लेकर जो उन्हें राज्य संपत्ति विभाग ने आवंटित किया है। असल में आकाश सक्सेना को दारुल शफा का वही आवास आवंटित किया गया है जो सालों से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कद्दावर नेता आजम खां के पास था, यानी रामपुर में आजम खां का किला ढहाकर आजम खां की सीट के बाद आजम खान के आवास को भी उन्होंने ले लिया। बता दें दारुल शफा का आवास संख्या 34B सालों से आजम खान के पास था। इसका भी एक अलग इतिहास रहा है, यह आवास कभी उनके नाम पर तो कभी दूसरों के नाम से हमेशा उन्हीं के पास रहा। इस आवास में जब भी आजम खान रहे उनसे मिलने एक से एक कद्दावर नेता से लेकर पार्टी के लोग आते रहे, तमाम दिग्गजों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। लेकिन हाल ही में आजम खान जेल से रिहा होने के बाद जब बाहर आए तो लखनऊ आने पर इसी आवास में रुके थे, तब भी यहाँ उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। वहीं आवास आवंटित होने के बाद रामपुर से बीजेपी के विधायक चुने गए आकाश सक्सेना ने कहा कि ये एक नियम है, विधायक को एक सरकारी घर तो दिया ही जाता है, पता लगा कि 34B मुझे ही आवंटित किया गया है, आज पता चला है, देखते हैं आगे का क्या होगा। इस आवास के इतिहास के बारे में सुना बहुत है कि वहां बैठकर लोगों की नाराजगी दूर की जाती है। जाहिर है कि रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की। यहां उन्होंने सपा के उम्मीदवार और आजम खां के करीबी आसिम रजा को हराया। आकाश सक्सेना ने करीब 33,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता। जब ये चुनाव हुआ तो खूब सुर्खियों में रहा। बता दें कि आकाश सक्सेना ने चुनाव लड़ने से पहले ही आजम खान के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ रखी थी। साल 2019 में उन्होंने आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीन फातिमा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान व उनकी पत्नी ने अब्दुल्ला का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया है। अब्दुल्ला के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि साल 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला ने दूसरा प्रमाण पत्र बनवा लिया क्योंकि पहले प्रमाण पत्र में उनकी उम्र 25 साल से कम थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।